तो डिज्नी वर्ल्ड है, जो मालिक है डिज्नी के, वो फॉरेन में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते, सुना है मैंने, ठीक है। तो वो एक दिन घर में बैठ के चाय पी रहे थे। दोनों ने देखा कि चाय पिया और कप को रखा और न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, तो देखा छोटा सा चूहा आता है और पर्दा लगा होता है, धीरे धीरे पर्दे पर चढ़ता है, चाय पीता है, फिर भाग जाता है। उन्होंने देखा, उनको अजीब सा लगा, फिर सोचा कि ये दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखा 15-20 सेकंड के बाद, फिर वो चूहा दोबारा आया, पर्दे पर चढ़ा, गिरा, फिर चढ़ा, फिर कप में गया, चाय पी, और वो ऐसे करते करते 4-5 हो जाता है। तो बड़ा उसको खुशी होती है, कहती बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक चूहा मुझे एंटरटेन कर सकता है तो ये दुनिया को एंटरटेन कर सकता है। और उस दिन उनके माइंड में विचार बनाया, उसने मिक्की माउस का निर्माण किया। और आज मिक्की माउस डोनाल्ड डक पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों आज हंसने और हंसाने का। कुछ भी घटनाएं घटती है हमारे लाइफ के अंदर, सबसे पहले हमारे कहां पर आता है, हमारे माइंड सॉफ्टवेयर में क्लिक करता है कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। और एक आपको हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाता हूँ, शायद सब लोगों ने जाना होगा लेकिन कभी उसको नहीं समझा होगा। डाकू अंगुली मार है ना, वो बचपन से डाकू नहीं था, वो बचपन से कतल नहीं करता था। जिस गांव में रहता था, जंगली इलाके में समझना बहुत बड़ा मैसेज है, जिस गांव में रहता था, जंगल के एरिया में रहता था, उस गांव में राजा, उनका नाम बिपिन सार जानते हैं कुछ लोग, हो सकता कुछ गलतियों को माफ कर देना, मेरा अर्थ समझना। उनसे कुछ उसको बैर हो गया और उसने प्रण बनाया कि मैं 1000 कत्ल करूंगा और उनकी उंगली बना के अपने गले में बांधा देगा, आए ना, अभी ने सुना ना। उसने ये प्रण ठान लिया और जाके जंगल में रहने लगा। जो भी उसको मिलता था उसके अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था, जुनून के प्रति उसने कसम खा ली थी कि मैं लोगों का कत्ल करूंगा, उनकी उंगली को काट के अपने गले में, जब तक 1000 लोगों का कत्ल नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। करते करते 999 लोगों को उसने काट डाला। उस गांव के दूर दूर एरिया में खौफनाक माहौल बन गया, लोग डरने लगे, राजा को भी भय हो गया। उसकी माँ थी जो उसे कभी कभार मिलने जाया करती थी, लेकिन जब उसको पता लग गया कि मेरे बेटे ने 999 क्रॉस कर दिया है, आखिरी नंबर मेरा भी हो गया, उसकी माँ ने भी जाना छोड़ा, खौफ का माहौल हो गया, लोग डरने लगे, ट्राई होने लग गया, लोग परेशान कि कैसा रुका जाए, क्योंकि उसके सर पे तो खून सवार था। इतने में कुछ दिन के बाद अचानक महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं और उनके शिष्य को पता होता है कि इस गांव के अंदर ऐसी क्लाइमेट चल रही है, ऐसी फिल्म चल रही है। वो कहता है कि गुरुजी हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुली मार पड़ गया और वो 999 लोगों का कत्ल कर चुका है। उसने कसम खा रखी है कि 1000 करेंगे, 1000 में काटूंगा और हो सकता है कि हम जाएंगे तो हमारा नंबर लग जाए। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, अब तक मुझे नहीं पता था तो मैं हो सकता नहीं जाता, लेकिन अब तुमने बता दिया तो मैं जरूर जाऊंगा। उनका जो शिष्य था, क्योंकि जान तो जान होती है, शिष्य घबरा के डर के उनका साथ छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध चल पड़े। उन्होंने कहा मैं भी तो देख जाऊँ इतना बड़ा टारगेट लेने वाला, टारगेट पूरा करने वाला बहुत सस्ता है। वो गए, जब दूर से हमले मारने देखा खुश हो गया कि
मेरा देखते ही खजा नंबर वाला बंदा, लेकिन इनके पेज ने, इनके फेवर ने, इनके हाव भाव ने उसको हल्का सा कंफ्यूज कर दिया। जब किसी को पता है कि यहाँ पर खतरा है तो जाने वाला बंदा डरता है, लेकिन एक बंदा आपके नजर के सामने वो बिल्कुल निडर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपके सामने आए तो सामने वाला डर जाता है। वो कहता है महात्मा रुक जा, कौन बोलता है मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। महात्मा को बोलते मुझे पता है मैं नहीं रुकूंगा, मुझे काट डालूंगा। बोले काट दे, कहता डर नहीं लगता, कहे का डर। वो जितना बोलता उसका हर सवाल का जवाब देते देते आगे चले गए। जब आमने सामने जाते हैं तो वो भी हैरान होता है, वो आंखों में देख के महात्मा बुद्ध के इतना कॉन्फिडेंस वाला बंदा, क्योंकि आज तक जो भी मुझे मिला है सब डरते हुए कांपते हुए गए, मेरे से किसी ने सवाल जवाब नहीं किया, ये इंसान कैसा है, ये महात्मा कैसा है, तो डर ही नहीं रहा। तो कहते हैं मुझे पता है कि तू मुझे मारेगा, मुझे पता है कि तू मुझे मारेगा, लेकिन मुझे डर नहीं है। कहता क्यों नहीं डर है, बस तुझे रोकने आया हूं। क्यों रोक रहे हो, गलत काम कर रहा है। कहता नहीं मैंने कसम खा रखी है। कहते चल ठीक है तू मुझे मार देना, मुझे काट देना, मेरी एक शर्त है। कहता ठीक है। कहता कि जुटमेंट पर टैली लगी हुई है तो काट दे पहले। कहता बस इतनी सी बात, उंगली मार अपना तलवार खड़ा जो भागता है उसको काट देता है। कहता आप कहते इसको जोड़ दे। जब उसने काट दिया वो खुश रहा है, कह रहा है कि ये मेरी बात को मान रहा है तो दोबारा जा सकता है, ये मेरी बात को फॉलो कर रहा है दोबारा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। उन्होंने बोला तूने ये टहनी काट दी अब इसको छोड़ दे। तो कहते ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया भाई काटना आसान है जोड़ना और मुश्किल मुश्किल है। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में बैठी तो सारा माला उतार के साथ उसके पैरों में गिर जाता है। कहता है बुद्ध महात्मा जी आज के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा और मैं आपका सेवा कर दूंगा। ये बात ये मैसेज ये जो मैसेज है विचार बनाने से, और वो आज जिसको डाकू के नाम से जाना जाता था वो डाकू आज सन्यासी आज महात्मा के नाम से जाना जाता है ना। तो महात्मा बुद्ध ने ये ठान लिया कि अगर किसी की सोच बदल दी जाए और कोई अगर विचार बदल दे उसकी जिंदगी सफल जाएगी, है ना। दोस्तों उसी तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, सबसे पहला जो काम होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस विश्वास का काम होता है। हमें अभी तक विश्वास नहीं हो पाया, अभी तक हम अपने आप को समझा नहीं पाए क्यों करना चाहिए, नेक्स्ट क्यों करना चाहिए। दिवाली का दिन है आज, टाइट कोट पहना के सारा पूजा पाठ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, पागल तो हैं, पर कहा जाता है पागल ही इतिहास करते हैं। बुद्धिमान लोगों को इतिहास पढ़ते हैं, है ना। अब पागल है इसीलिए जगवार में चलने वाले हैं। सबसे पहली बात क्यों करना चाहिए, क्यों आप यहां पर आए। आज मैं ट्रेनिंग लेने आया, मुझे पता है आज आप ट्रेनिंग लेने आए शायद आपको पता है कि नहीं। आज मैं क्यों ट्रेनिंग लेने आया हूँ ये मुझे पता है। आज मैं ट्रेनिंग इसलिए लेने आया हूँ, मैंने सीख के जगवार तक का साइकिल से जगवार तक का सफर तय किया। मैं चाहता हूँ कि उसी ट्रेनिंग को आप सीखें और अगले एक साल दो साल के बाद जितने भी लोग बैठे हैं सबके सीट जगवार की सीट होनी चाहिए और जगवार की चाबी होनी चाहिए। मैं सिखाने के लिए लाइफ में आई क्या वो काम रुका कभी, कोई ऐसा काम हो जिसका समाधान ना हो,
ऐसा है, कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं, बोल सकते हैं गलती हो तुम्हें। आज तक कोई ऐसा काम है जिसका सलूशन ना हो? नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों को यही नहीं पता। कुछ महिलाएं बैठी हैं, अभी पीछे नवरात्रि गई, नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से बनना पा पूजा पाठ करते हैं, और एक फैमिली को माइंड में ये विचार आया कि हमें वैष्णो देवी जाना है। कहाँ जाना है? वैष्णो देवी। उन्होंने कुछ मदद मांगी थी कि इनका ये काम हो जाए, कि ये नौकरी लग जाए, ये बिजनेस हर घर में होता है ना, हिंदू है तो हिंदू के त्यौहार में, मुस्लिम है तो मुस्लिम के त्यौहार में होता है ना। आप ऊपर वाले से मन्नत मांगते हैं कि अगर मेरा ये काम सपना पूरा हो गया तो इसको मैं आपके पास चढ़ाने चढ़ाओ चढ़ाने के लिए आऊँगा, है ना। मैं मैडम से बैठे रहिए, मैडम से सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब देना कि आपने नवरात्रों के व्रत में माता रानी से ये गुहार लगाई कि हे माता रानी, मेरे मेरी लाइफ में खुशियाँ अगर आ जाती है तो नवा दिन मैं आपके वैष्णो देवी जम्मू के अंदर जाके वहाँ नाजिल चढ़ा में पता चला। ऐसा होता है ना। जब आपको ये पता लग गया कि आपको वैष्णो देवी जाना है, नवरात्र को वैष्णो देवी वहाँ पहुँचना है, आप सबसे पहले मैडम के साथ आप लोग भी जवाब दे सकते हैं अपने पर फिर कर सकता। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोच बनाएंगे, बना ली, उसके बाद ट्रेन की टिकट करेंगे। आपने ट्रेन की टिकट एक दिन पहले बना ली, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हो सकता है कि ट्रैफिक की वजह से आपकी ट्रेन मिस हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसी ने बोला बस, किसी ने बोला फ्लाइट। फ्लाइट की टिकट आपने करवा ली, फ्लाइट की टिकट करवाने से पहले क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि फ्लाइट की टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे जैसे आपने देखा कि आपको लगा कि फ्लाइट तो आज की है, कैंसिल है, फिर क्या करेंगे आप? दूसरी टैक्सी, इंजन सीज, लिफ्ट मांगेंगे सर, लिफ्ट मांगेंगे, लिफ्ट मिल गया, आगे जाके उस गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या करेंगे? यही मैं समझाना चाहता हूं कि आपको हर सवाल का जवाब, हर परेशानी का, मैंने सारे दिक्कत बताई आपको, एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया, ट्रेन मिस हो गई, फ्लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहां जाएंगे? क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है। दोस्तों जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, मैंने कुछ भी सोल्यूशन नहीं दिया ना। सारा सोल्यूशन किसने बताया? हमने। सारा सोल्यूशन किसने बताया? हमने। क्योंकि आपको पता है कि मैंने मन्नत मांग रखी है मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, कैसा भी हो जाए, आप लोग बिना दर्शन किए वापिस नहीं आएंगे। अगर आपको आज के बाद ये पता लग जाए, जिंदा रहूंगा तो डायमंड बनूंगा, जिंदा रहूंगा तो 18 लेवल पूरा करूंगा, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, तो भगवान का सब आज के बाद आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। हो गया
आपको मैसेज समझ में आया? पता ही नहीं कैसे सीपीएस में चेक करें। पावन एसपी ले लिया, इमोनोडो को ले लिया, कंडाबास ले लिया, घर में रखना है। पीए के कड़वा लगता है जी, लोगों से बात करने में शर्म आती है जी। टाइम पहनने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, लोग नहीं मिलते हैं, रिच नहीं है, ये नहीं है। अगर तुम्हारा पर्पस ही क्लियर नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं जॉइन क्यों किया। पर्पस क्लियर है साहब, जिस दिन ज्वाइन किया था सपना था, जब देखता था लोग माला पहनते हुए, अंदर से दर्द होता था, चोट लगती थी, मेरी शक्ल में क्या है, मेरे में क्या कमी है, मेरा ऐसा मान सम्मान नहीं हो रहा। एक दिन लाऊंगा जब हजार लोगों के बीच में मेरा भी ऐसा मान सम्मान होगा। अंदर से आपको दर्द होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। और जब आपको क्यों वाय ये करने का, जिस दिन जिस पल जिस क्षण आपको ये आंसर मिल जाए, क्यों करना चाहिए, क्या ज्वाइन करने के लिए किया था, क्या इमोंडो तुलसी पीने के लिए किया था, क्या लोगों को पिलाने के लिए किया था, नहीं, इसलिए ज्वाइन किया था अपनी अपने परिवार की और अपने लोगों की गरीबी मिटाने के लिए। लोग बहाने बहुत बनाते हैं, घर में ये काम है, घर पर वो काम है, छुट्टी नहीं मिली, काम नहीं हुआ, ठंड है, गर्मी है। नहीं जी, मेरे पास का वो लिंक नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, और मान के चलो कि हमारे घर में, भगवान ना करे लेकिन समझना, मेरे भाव को समझना, मान के चलो कि मेरे घर में मेरे बेटे को कोई परेशानी दिक्कत हो जाती है और डॉक्टर बोलता है कि इसको ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, एक शीशी जो मार्केट में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो मार्केट में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आपको भी पता है कि इसका अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर बोलता है कि अगर 48 घंटे के अंदर ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला तो आप अपने बेटे से हाथ खोल करेंगे, हो सकता है कि आपका बेटा ना रह पाए। समझना मेरी बात को, 48 घंटे का टाइम होता है, आप 2 को फोन करेंगे, 4 को फोन करेंगे, 10 को फोन करेंगे, क्या आप हार मान के अपने बेटों को छोड़ देंगे? आवाज नहीं आ रही है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी करना पड़े, अपनी किडनी बेचनी पड़े, अपना घर बेचना पड़े। जिस इंसान से मैं बात करने शर्माता था, जिस इंसान ने मुझे मेरी बदतमीजी से बात की, पता लग गया उसी का जो ब्लड है वो ओ नेगेटिव है। मेरे मोहल्ले में, मेरे कॉलोनी में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या करोगे आप, अपना ईगो में पालोगे क्या? आप जाके उसके सामने लेट जाओगे, घुटने टेक दोगे कि भाई जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दे, मेरी बेटे की जिंदगी खतरे में है, मुझे तेरा एक मिनट ब्लड चाहिए। अगर आप अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दोगे, क्या वो इंसान आपको हेल्प करेगा कि करेगा? क्योंकि आपको अपने बेटे की जान, जहाँ पर पूरे परिवार, पूरे देश, पूरे दुश्मन की जान बचानी है। क्या आप उन लोगों से बात नहीं कर सकते हो स्पीकर जोड़ने के लिए, जो आपको लगता है कि इसे बात करने का छोटा हो जाऊंगा? कर सकते नहीं कर सकते? तो दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी पर्पस, आपका विजन पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस, आपका विजन कितना बड़ा है। हमारी बात समझ में? तो आज के बाद कोई भी ऐसा ना बोले कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे काम करने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पर्पस छोटा है तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। अगर आपका पर्पस बड़ा है, और पिछले टेप में बोल गया था कि मेरा पर्पस बड़ा है, 2025 में क्या आने वाला है, हेलीकॉप्टर आने वाला है, सारा मुद्दे को भी जाके ज्वाइन कराऊंगा।
उसको अपने हृदय का पता नहीं होता। क्यों? कि हम अपने आप को छोटा समझते हैं। इंसान माइंड से कमजोर होता है, हम दिमाग से कमजोर होते हैं। दिमाग से हम ये होता है कि आप छोटे हैं, लेकिन आप एक बीज को देख लो। बीज धरती में लगाता है, हम लगाते हैं और बीज धीरे बड़ा होता है। उस बीज का धीरे धीरे पेड़ में परिवर्तन होता है और वो पेड़ जितना ज्यादा लंबा हो सकता वो होता है, जितना ऊंचा जाना होता है वो, जितनी ज्यादा पत्तियां उसमें आनी होती है उसके ऊपर, जितनी टहनी उसके ऊपर आनी होती है, जितने फल लगने होते हैं, मतलब इंसान के अलावा बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना लिमिट क्रॉस करते हैं, लेकिन हम अपने दायरे में बंधे रहते हैं। अपनी लिमिट को क्रॉस करो सर, अपनी लिमिट को क्रॉस करो, क्रॉस करना पड़ेगा। हमने अपनी लिमिट को क्रॉस किया, 22 घंटे काम किया, ऐसे ऐसे लोगों से जाके मिले जिनको हम कहते हैं ना यहाँ का रहने वाला हूँ, वो नहीं बोल पा, शक्ल देखने का मन नहीं होगा उससे भी जाकर बात करते। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरी परिवार की बात है ना। ऐसा आपको अपने लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, आपको अपना हद, ये आपको अपना हद पता करना पड़ेगा कि मैं कितना ऊंचा हो सकता। अच्छा, किसी के ऊपर कोई फाउंडेशन है क्या? फाउंडेशन है क्या? रामदेव जी आप ये काम नहीं कर सकते, आप कार नहीं ले सकते, आप हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते, किसी ने मोहर मारा है क्या? मोदी साहब ने सर्टिफिकेट दिया है क्या कि आप किराए में किराए के घर में रह सकते हो, आप 10,000 ही कमा सकते हो, 20,000 ही कमा सकते हो, ऐसा है क्या? हमें हमारी हद खुद को नहीं पता और आपकी हद कौन बताएगा? आपका हद, आपकी लिमिट, आपका विजन बताएगा, आपका पर्पस बताएगा। अपने परिवार की आंखों में आंख डाल के देखो क्या जो जिंदगी आप दे रहे हो, क्या जो जिंदगी वो जी रहे हैं वही जिंदगी है क्या? मैंने अभी गुरु जी को मैसेज किया कि मेरी आज 36 साल उम्र क्रॉस कर गई है, मेरी 36 साल की उम्र में अब तक की सबसे जबरदस्त दिवाली ये 2019 सबसे जबरदस्त। कल मेरी वाइफ मार्केट गई हुई थी और मार्केट गई हुई थी, पता नहीं क्या रात को जब मैं घर गया तो मेरी बेटी के छोटा सा कुंडल 12,000 का ले गया। वाइफ ने, मेरी वाइफ ने इस दिवाली के अंदर 80-90 हज़ार की अपनी सब ज्वेलरी की शॉपिंग करी थी और उसको मैंने शाम को कैश निकालने दिए 50,000 के लिए। हाँ, इसका दिवाली सर आपको अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ देनी पड़ेगी जो वो डिजर्व करता है। सिर्फ रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यही है क्या हमारी परिवार का है क्या? सिर्फ दिल्ली और दिल्ली से वजीरपुर, दिल्ली से अपना ड्यूटी, यही है आपका है क्या? आपको सोचना पड़ेगा क्या वो चाहते हैं, आप क्या चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, आपकी बीवी क्या चाहती है, उनसे पूछो और बोलो कि बता मुझे क्या चाहिए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिवाली में हम वो खुशियाँ नहीं ले पाए, लेकिन कसम खाता हूँ अपने बच्चे के सर में हाथ रख के कसम खाओ कि कुछ भी हो जाएगा अगली दिवाली तेरी सबसे खुशियाँ बड़ी दिवाली होगी जो तू चाहता हो सारा पूरा। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता मैंने बता दिया। आप ऐसे लोगों से ना मिलो, ऐसे लोगों के टच में ना रहो तो किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को बोलते हैं कि वो तेरी ये कैसे हो गया। आप उस अपराइन के साथ काम करो, उस दोस्त के साथ रख रहो तो हर समस्या का समाधान दे। कोई आपका क्लाइंट बोलता है कोई दिक्कत होगी, नो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं आया, नो प्रॉब्लम 2 दिन के बाद आ जाएगा। चेक नहीं बना, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, बन जाएगा। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं 4 दिन हो गया प्रोडक्ट नहीं आया, अभी
बहुत तेरी तो और नेगेटिव करता है। आ रही बात समझ में? हमेशा नेगेटिव का साथ छोड़ो और पॉजिटिव के साथ पढ़ो, ठीक है दोस्तों। जो मैंने सारी बातें बताई, ये सारी बेसिक बातें हैं। और जब मैं सुबह घर से निकला था, अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ आपको, जब मैं घर से निकला था तो मैं सोच रहा था आज से 3 साल पहले की स्टोरी। 3.5 साल पहले मैं नौकरी करता था और दिवाली का दिन सेम थी, बोनस मिलता है ना, डब्बा मिलता है, इंतजार होता था 10 साल। 17,000 की नौकरी करता था, 2,000 रुपये कन्वेंस मिलता था और इंसेंटिव मिलता था। दिवाली का टाइम सीजन, क्योंकि मार्केटिंग का था, दिवाली का टाइम सीजन डाउन होता तो इंसेंटिव मिलना बंद हो गया था। ऐसी स्थिति थी दिवाली वाले दिन कि मेरी दिवाली कैसे बनेगी मुझे भी नहीं पता था। ऐसे बहुत से लोग होंगे, बुरा मत मानना, इस वक्त दिवाली आपकी हो सकता है कम्प्रोमाइज हो, लेकिन अगर आप आज की ट्रेनिंग ले लेंगे, आज की बातों को फॉलो कर लेंगे तो अगली दिवाली आपकी भी अच्छी होने वाली है। दोस्तों दिवाली से एक दिन पहले मैं और मेरी मैडम ये परेशान थे कि कल कैसे दिवाली मनेगी, हाथ पे घर में 100 रुपये तक भी नहीं था, समझना बात का। और मालिक ने बोला था कि बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। एक साथ काम करते हुआ उसने बुलाया था कि 9 बजे आ जाना, मैं 8:30 बजे पहुंच गया। सबसे पहले वहीं पहुंचा क्योंकि मुझे दिवाली मनाना था, नहा धोकर बिल्कुल पहुंच गया मैं। और 8:30 बजे से बैठे बैठे 10 बजे आया ऑफिस, 10 बजे बोला, साफ सफाई पूजा करते करते 1 बज गया। मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता था, अंदर से गुस्सा तो आ रहा था। मैं बोल के घर पर गया था कि 9 बजे बुलाया, जा रहा हूँ 1.5 घंटे में, ऐसे ही होता है ना। मालिक बोलता हाँ सुबह सुबह हो जाएगा। मैं बैठा रहा। 1 बजे जब बात हुई तो एक कंबल लेके आया। कौन सा कंबल बताऊंगा, कौन सा कंबल? कंबल लेके आया, 1 किलो का डब्बा लेके आया और 2100 रुपये लेके आया। भगवान कसम, बच्चा कसम खा कह रहा हूँ, जिसकी भी कसम दिलवा लो, अंदर से इतना रोया कि साला कोई बात नहीं, आज भिखारी बन के तेरे पास आया हूँ, लेकिन वो दिन जरूर लाऊंगा जिस दिन मैं लोगों की बांटूंगा। और वो कंबल मैंने दिया नहीं, वो कंबल आज मेरे घर में पोछा लगाती नौकरान जिसकी तनख्वाह 3,500 है, वो कंबल मिठाई का डब्बा और 1100 रुपये मैंने उस नौकरान में गिफ्ट किया। दोस्तों बात समझ में आई, मेरी सोच उस दिन बदल गई कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं वही नौकरी करता रहता अगले साल क्या होता, 200 रुपये महंगा कंबल देता है ना, 50 रुपये किलो अधिक मिठाई देता और उसमें 1,000 रुपये और बढ़ाता, यही तो होता है। लेकिन हमारी नौकरी में वो सोच बदली हुई है कि हमें बोनस तो यहाँ भी मिला है सर, अगले महीने में त्योहार 1 करोड़ की त्योहार आ रही है सर, इसको भी तो बोनस दो, आपको दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को समझाने की जरूरत आपको खुद समझाना, आपको अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जो एनर्जी देता है ना, वो आपका गोल होता है।
कैसे ये ट्रैफिक तो ये मामूल की थी और ये जयवार हेलीकॉप्टर क्या सोचा हो गया सोचा हो गया क्या सोचा नहीं मैंने ड्रीम बनाया मैंने गोल सेट किया मुझे ये चाहिए ये कब चाहिए आज जयवार जैसे आई मैंने ड्रीम बना लिया कि मुझे इसके बाद में और भी कुछ करना है लेकिन 2025 का सूरज खत्म नहीं होगा मैं हेलीकॉप्टर का चाबी आपको दिखा चाबी गूगल पे सर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया साहब लोगों ने सोचा तक नहीं होगा हमने सर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया दिल बहुत बड़ा है दिमाग बहुत बड़ा है हम सफलता के भूखे हैं हमें कामयाबी चाहिए किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है कुछ भी करवा लो आई बात समझ में जैसा ये दिखने लग गया ये समझ में आने लग गया विश्वास 1000% आज के डेट में इतना कॉन्फिडेंस हाई है कि आप सामने जो है बंदा मरा हुआ बंदा सिर्फ सुनने वाला होना चाहिए उसको भी इस चीज़ की ज्वाइन करा देते हैं उसको भी ज्वाइन करा ड्रीम बड़ा होना चाहिए आप ड्रीम बनाओ बोल से करो बहुत बड़ी ताकत होती है आज जितने भी लोग कामयाब हुए हैं अंबानी का नाम सुना होगा आपने टाटा का नाम सुना होगा आपने नाम सुना है ना क्या जो जियो आज जियो है क्या एकदम से आ गया 5 साल पहले प्लानिंग हुई पहले उसके माइंड में ड्रीम बना गोल बना पहले पैसा लगाऊंगा ये करूंगा वैसा करूंगा और आज सिम के मामले में कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया वोडाफोन को भूल गई एयरटेल को भूल गई एयरसेल मार्केट से बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ डोकोमो कहाँ लेकिन आज सबके दिमाग में ओनली जियो है जियो है जियो हरी बात समझ आपको कैसा सर 1960 के अंदर शायद कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं 1960 में हीरो होंडा ने अपना गोल बनाया कि आने वाले टाइम के अंदर उसका एक बेंचमार्क था कि वी विल डिस्ट्रॉय कंपटीशन इन द मार्केट हीरो होंडा ने एक बेंचमार्क 1960 में सेट किया था कि हम अपनी फील्ड के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बेंचमार्क स्टार्ट करेंगे कि हमारे कंपटीशन में कुछ बड़ा ना होगा और आज 2019 में सबसे ज्यादा जो बाइकें बिकती हैं उसकी बिकती है हीरो की बिकती है 1970 के अंदर नाइकी जानते नाइकी जूते नाइकी ने कहा था अपना बेंचमार्क सेट किया गलत था एडिडास मुझे एडिडास को और आज नाइकी के जूते लगभग लोग तो आपको भी ये गोल ये ड्रीम ऐसा करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के अंदर आपके टक्कर में कोई बंदा ना हो और मैं कहता हूं जिस दिन एसडीपीएस को आपने अपने दिमाग अपने माइंड में 100% अगर उतार लिया भगवान का मैं कहता हूँ जिस समाज में रहते हो जिस परिवार में रहते हो आपके टक्कर का सोच लेने वाला कोई बंदा नहीं होगा आज से 10 दिन पहले मेरी वाइफ रात का टाइम हम लोग तो घर की बात क्योंकि घर से सब कुछ होता है हम रात को खाना खाने का सब कुछ कर गए मेरी वाइफ के मुँह से एक आवाज आएगी जो जिस गली में रहते हैं इस गली में रहता है सबसे ज़्यादा गली में सबसे ज्यादा अमीर हमी है क्योंकि हमारे पास ही ज्यादा पैसा आता है क्योंकि हमारे पास एसडीपीएस है ठीक करो हम छोटी मोटी कंपनी में नहीं है हम एसडीपीएस वेलनेस के अंदर हैं और एसडीपीएस वेलनेस 5 साल के अंदर दंगे की चोट पे काम करती है और एसडीपीएस वेलनेस ने 5 साल में कितने अचीवर निकाल दिए साहब कि किसी को अगर अचीवर गिना दो तो बिना प्लान दिखाए पैसा दे दे बिना प्लान दिखाए पैसा दे दे कितने अचीवर हो ये सारी बातें मैंने सारी कॉमन बातें बताई लेकिन ये सब होगी कैसे मैंने पहले आपको तो बताया क्यों है ना ये सारी बातें थी कि क्यों करना चाहिए अब आ रहा कैसे
तो कैसे के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लिखना चाहे लिख सकता है, जिसको सुनना चाहे सुन सकता है, कैसे करना है। तो नेक्स्ट जो सुनाई दे सक्सेस हैबिट, यहां से बात समझना, लोग यही गलती कर जाते हैं। पहली जो हैबिट है आदत को बदलना पड़ता है। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत ही नहीं बदलती। आपको हम बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि सुबह उठना है, तो लोग बोलते सर आंख ही नहीं खुलती। अरे तेरी आंख है, पड़ोसी की आंख है, किसकी आंख है, कौन खोलेगा उसको, नहीं खुलती। सर रात को लेट से सोया था, कहां लगा था, टिकटॉक देख रहा था, एफबी पे कल चैट कर रहा था। कितना भी लेट से सोए हो, समझना, कितना भी लेट से सोए हो और पता लग गया कि आपके बेटे को 104 डिग्री बुखार है और मैडम को डॉक्टर सुनो जी बेटी को बुखार है, बेटे को बुखार है, नींद आएगी क्या, सारा सुबह 6 बजे का प्लान सेट होता है, बोलते हैं कि आप ही नहीं खुली हमारी। और आपको बता दूं, समझा दूं, जितने भी ज्ञानी लोग बैठे हैं, अगर आपने अपनी आदत नहीं बदली, आदत में बदलाव नहीं लाया, तो भगवान का सब कहता हूं ठोक के आपको, यहां से दावा करता हूं कि दुनिया में आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। पहले आदत को बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आई बात समझ में? लोग बोलते हैं हम सब करेंगे जी, लेकिन आदत नहीं बदलेंगे। अरे भैया पहले आदत को बदल। अपना ही बोलता है ये काम करना जी, ये काम नहीं करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ पहला पर डे वर्किंग 4 to 6 आवर मिनिमम। जो लोग पार्ट टाइम करते हैं, अच्छा कुछ लोग जो पार्ट टाइम करते हैं हाथ उठाएंगे क्या? हमारी 90% जनता पार्ट टाइम करती है। दिल से बताना आप लोग जो ये बिजनेस है पार्ट टाइम करते हैं, कितने घंटे काम करना चाहिए? 100 करोड़ का प्लान है, हेलीकॉप्टर भी आता है, जयमाल भी आता है, सोना एप्पल लैपटॉप सब कुछ आता है, सब कुछ मिलने वाला है। आप जहाँ नौकरी करने वाला वहाँ से पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ से मिलेगा तब हम कितना घंटा काम करना चाहिए। पार्ट टाइम नौकरी भी है भाई, कितने सर कितना घंटा काम कम से कम करना चाहिए? 4 घंटे 4 से 6 घंटा। अच्छा कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम में कहते हैं पर डे मैं 4 से 6 घंटा काम करता हूँ? दिल से भगवान देख रहा है, दिल से कितने लोग हैं पर डे? धंधा क्या धनतेरस वाले दिन आएगा? कैसे धंधा आएगा? फिर कहते हो IMS TPS वर्कर, मेरा चेक नहीं बनता जी, मेरा लेवल नहीं होता, हम क्रूज पे जाएंगे, हम थाईलैंड जाएंगे, भाई साहब गली से बाहर नहीं जा पाओगे आप। कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? काम ही नहीं करते। अच्छा काम नहीं करते तो कोई आएगा मुझे ज्वाइन करा ले 100 स्पीड ले, कोई आएगा ऐसे? घर से बाहर निकलना पड़ेगा एटलीस्ट आपको 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे कितने लोग मिलते हैं? 2 से 4 लोग, 2 लोग 3 लोग। अगर आप 2 लोगों से रोज मिलते हो, ध्यान रखना, आप 2 लोगों से रोज मिलते हो, 30 दिन काम करते हैं, 60 लोग होते हैं, 60 लोगों को प्लान दिखाते हो, 1 से लेकर 18 लोगों दिखाते हो, 1 से लेकर 32 प्रोडक्ट बताते हो, संजय सर के बारे में बताते हो, मनोज सर के बारे में बताते हो, महिपाल सर के बारे में बताते हो, लोगों के बारे में बताते हो, 60 लोगों को आप बताते हो तो कितने लोग आएंगे भाई? कितने लोग आएंगे? बोलने के पैसे नहीं लगेंगे, इसका बैटरी होगी सारा उसका उसका तरह है, क्या उससे बोलना 50 आएंगे 50 सब उसके अंदर है। आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हो, अगर आप 60 लोगों को प्लान दिखाते हो तो कितने लोग आपके साथ इस केस में जुड़ जाएंगे? क्यों कर रहे हैं?
कसम खा के अगर उनको प्रणाम बताओगे तो क्या 10 लोग नहीं आएंगे, 5 लेफ्ट आएंगे, 5 राइट आएंगे, 5000 का चेक नहीं बनेगा, 15000 तनखा, 5000 रुपया आपको यहाँ से आएगा, घर का खर्चा मैंने थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले महीने में 10 लोग आए, अब 10 लोग की टीम बन गई, वो भी ऐसे काम करते हैं, 6 महीने ऐसा काम कर लो, 6 महीने 4 से 6 घंटा काम कर लो, भगवान का साथ दिवाली का दिन है, 50,000 महीने से कम की इनकम नहीं होगी। 6 महीने का काम पर डे नहाते हैं, पर डे खाली करते हैं, पर डे खाते, पर डे हर एक काम को पर डे करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोते हैं, सब काम करते हैं, नौकरी करते हैं। एसटीपीएस को भैया कभी कभार क्यों करते हैं, क्यों करते हैं कभी कभार? जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको करते ही नहीं, सिर्फ हाजी हाजी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, हम डरा देते हैं, वो गुरु जी कहते रहते हैं, काम नहीं करेंगे, गुरु जी कहेंगे, अरे भैया गुरु जी कहने से धंधा आएगा क्या? कुछ लोग लिखने में बड़े एक्सपर्ट हैं, अरे भाई साहब सुबह से लेकर शाम तक देखो खूब इतनी शायरी लिखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिखते हैं, और उनसे बोलो प्लान हुआ जी? सर प्लान तो नहीं हुआ, अगर लिखने से ही सेल आ जाता, लिखने से ही चेक बन जाता तो हमारा संडे में यहाँ बसियाँ निकालना पागल है क्या? हमें भी काम, सुबह उठने की आदत, कितने लोग सुबह 6 बजे उठ के प्रणाम करने जाते हैं फील्ड में, आज कुछ लोग, कितने लोग, लोग कहते हैं आँख नहीं खुलती जी, सुबह ड्यूटी में लेट हो जाता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 बजे घर से निकलते होंगे, सर कसम है आपको बताओ, जो जो 10 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए पार्ट टाइम, कितने लोग ऐसे हैं 10 बजे निकलते हैं ईमानदारी से, हाथ उठाने के पैसे नहीं है। जो बंदा 10 बजे घर से निकलता है क्या सुबह एक ठोक सकता बोलता नींद नहीं खुलती? आज से आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आदत बोलते हैं कि नहीं बदलती, सिर्फ 4 दिन आप रात को कसम खा लो मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और अगर 5 बजे नींद नहीं खुली सुबह अपना पर्स निकालना, बताता हूँ बहुत बड़ी बात है, 500 का नोट ऐसे रखना, अगर आपकी नींद नहीं खुली इसके 2 टुकड़े कर देना, मैडम से मांगना बोला 500 का नोट दियो, कहेगी क्या हो गया, आज सुबह उठानी और सामने फाड़ देना, भगवान का संग कहता हूँ अगले दिन फिर नहीं उठे, अगले दिन फिर फाड़ देना, 4 दिन कर लो, 4 दिन के बाद आपकी नींद में ठंडा लेकर उठ जा, फिर सारे घर में डाल क्या हुआ, ये 4 दिन कर लो, पनिशमेंट देना पड़ेगा, ठीक है सर? जब तक किसी चीज का हम कीमत नहीं चुकाते हैं तब तक, अब यहाँ पर कुछ लोग डर से आए हैं भाई, चल लो देखो अपना पूरा मान जाएगा, दिवाली का क्यों नहीं देगा, है ना, चल लो देखो मेरे साथ काम नहीं करेगा, जबरदस्ती है, कुछ लोग टाइम देख रहे होंगे, अरे दलदा ला कर रखा हूँ दिवाली मनाऊंगा, होता है ना ऐसे सर? जब तक हम इंसान है ना, हमें हांकना पड़ता है सर, है ना, हमें हांकना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, तू आदमी है, तेरे सपने हैं, हम बोलते हैं ना, हम फोन करते हैं, तुझे ये करना, तुझे लेवल पूरा करना, टारगेट जीतना है, आ रही बात समझ में? तो सर आज के बाद आप सुबह टाइम सेट कीजिए, जो बंदा 10 बजे 9 बजे घर से निकलता है वो बंदा सुबह 4 बजे 5 बजे जाके प्लान करे, जो बंदा शाम को 6 बजे ड्यूटी से आता है वो रात को जाकर 3-4 प्लान रोज करे, सेल आए या ना आए टेंशन मत लेना, 6 महीने कर लेना,
150 दिन कर लेना और आके बता देना सर मैंने 6 महीने लगातार 4 से 5 घंटा काम किया, मेरा कुछ नहीं बन रहा है। सर गारंटी देता हूँ 5 लाख का इनाम है, 5 लाख का इनाम जिस बंदे का 6 महीने के अंदर लगातार ये काम कर ले 10 लाख रुपए से कम अगर इनकम हो जाए तो उससे आगे 5 लाख मिलेगा। सर सुबह लोग मिलते हैं, रात को बंदा फ्रेश होके यही शुरू होता है, सुबह जाके आपकी बात सुनेगा। अपने घर की चाय पीना छोड़ दो साहब, मैं नहीं पीता दूध और चीनी जो मैडम बोलते सुबह का नाश्ता अपने घर का करना छोड़ दो, जाके उसके घर जाके खाऊंगा, बचाओ ना अपने लिए इतना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है, डॉक्टर के घर जाओ गेस्ट के घर जाओ उसी का खाओ उसी का ज्वाइन कराओ ऐसा कुछ मिलेगा मिलने जिसने घर की चाय छोड़ दी, जिसने घर की चाय छोड़ दी उसकी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया, जिसने घर की चाय पी, मैंने 2 साल संजय सर के दूसरे साल तक घर की चाय नहीं पी साहब, घर का खाना नहीं खाया, बाहर का खाना खाते थे बाहर क्यों, क्योंकि हमें पता था कि घर पर रहेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो सुबह सभी उठेंगे सभी लोग टीम में कॉलिंग करने की आदत, मेरे अंदर भगवान ने पता नहीं क्या बोल के डाल दिया, मैं जब तक टीम को कॉल नहीं करता हूँ बात नहीं करता हूँ, मेरे कुछ लोग बैठे स्कोर के लोग बैठे हैं टीम में 4 और 5 फोन जाता नहीं जाता है मुझे जब तक वो क्या कर रहे हैं कितने प्लान किए कितने फॉलोअप किए कितनी पेमेंट कितने किए जब तक मैं उनसे बात नहीं करता मेरे को हजम नहीं होता, मेरा लीवर रुका रहता है, खाना नहीं पचता मेरा। हमारी बात समझते हैं कितने लोगों को शर्म आती है क्यों बात करो बार बार क्या कर रहा होगा, अरे भैया अगर वो अपने काम में बिजी रहेगा तो आपके साथ काम कैसे करेगा, उसको तो याद दिलाना है कि यू आर जॉइनिंग अ सीपीएस यू आर बॉर्न फॉर करोड़पति, उसको याद दिलाना है तू करोड़पति पैदा होने की जगह है, तू करोड़पति बनेगा लाइफ चेंज होगी सीपीएस में करता उसको याद दिलाओ, और जो भूल जाएगा आपका काम नहीं करेगा, तो आपको दिन में कम से कम आपके जो कोर लोग हैं आपको उनको कम से कम 3 से 5 बार फोन करना है, ऑर्डर वाला फोन नहीं करना है, और क्या कर रहे हैं कितने प्लान किए कि नहीं किए ऐसे नहीं प्यार से बात कितना सोचता है इसका तो बॉस बन गया, अब तो जो कहूंगा फिर मनोज सर ने तो बता दिया देख लियो फोन, ऐसा नहीं कि मैं ये काम संभव कर दूंगा, कभी भी अपने डाउनलाइन से प्यार से बात करना, ये समझना कि आपका भाई है आपका बेटा है, अपना भाई अपना बेटा जो ब्लड का रिलेशन वाला है वो हो सकता है बड़ा हो गए आपका साथ छोड़ दे आपको धोखा दे दे, लेकिन आपकी टीम भाई साहब जीते जीते तो काम करे ही करेगी, मरने के बाद भी आपके परिवार की सुरक्षा करेगी, टीम ऐसी हो अपने लोगों से मोहब्बत करनी पड़ती है हमेशा, वो कम एक कम चीज जीत दो, आपका फोन आए आपका डाउनलाइन को फोन आए तो आपका खुश हो जाए, गुरु जी का फोन आ गया भगवान का फोन आ गया जरूर कुछ अच्छा बताने वाले हैं जरूर कुछ मुझे ज्ञान की बात देने वाले हैं, आपके फोन से इरिटेट ना हो ऐसा सीखना है, और दोस्तों टीम को कॉल करना और ऑनलाइन को कॉल करना दोनों आदत डाली, अच्छा ऑनलाइन को कॉल क्यों नहीं करते क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं बताएंगे क्या, पहले टीम को कॉल करो और फिर बताओ कि गुरु जी उदय जी ने ये किया रोहित जी ने ये किया पुरानी यूनिवर्सिटी ने ये किया इन्होंने ये काम किया ऐसे काम किया पूरा रिपोर्टिंग दो, जब आप टीम से रिपोर्टिंग लोगे तब आप ऑनलाइन क्या करोगे रिपोर्टिंग दोगे, आई बात समझ में, तो टीम को कॉल करो और अपलाइन को कॉल करो रोज, अपलाइन को दिन में 2 बार सुबह रात को सोने से पहले कुछ भी हो जाए सुबह से रात को सोने से पहले गुरु जी मैंने ये काम किया करेंगे, आदत डालनी पड़ेगी हैबिट में डालना पड़ेगा, नेक्स्ट रिपोर्टिंग देना और लेना, आई बात समझ में, रिपोर्टिंग आप लोगे फिर दोगे आप जब दोगे तो आपको लेना पड़ेगा,
आई बात समझ में? नहीं दूर करते हैं। तभी कहा है सर खूब मेहनत करता हूँ, टीम से बात करी, नहीं जी आप तो ससुराल में दो घंटे से लगा रहा है, नहीं जी आइए, क्या बोलते हैं सर आ जाइए, सर छोड़ी नहीं रही है दो घंटे उसी में, डाउन लाइन का फोन आ रहा, बैंक का फोन आ रहा है, बीजी कहाँ थे, नहीं जी सर आ जाइए, सर ससुराल जरूरी है, टीम जरूरी है, मेरे लिए मेरे लाइफ में मेरी टीम है उसके बाद दुनिया, सर मेरी टीम पहले है उसके बाद दुनिया, क्योंकि आज जो भी हूँ इस टीम की वजह से, इस टीम की वजह से। सर बोलिए बार बार बताया जाता है कि धंधा है, उम्दा धंधा है, बिजनेस है, वी आर बिजनेस, हम लोग इतिहास बदलने चले हैं, लोग जिंदगी बदलने चले हैं, लेकिन एक बटन यहाँ तो एक बटन यहाँ लगा हुआ है। अच्छा पीछे वाइट आगे काली शर्ट हो रखती है। सर बिजनेस करने जा रहे हैं आप, अगले को फ्यूचर दिखाने जा रहे हैं, अगले का सपना पूरा करने जा रहे हैं, अगले को अपने साथ उसकी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं, अगला कैसे आपके साथ आएगा? कभी भी कोई भी गंदे फूके या धीरे धारे लोगों से आपको आना पसंद करेगा? अभी आपके पास बाहर कोई आ जाए, हर चीज की पहचान होती है, जो दिखता है वही आपको दिखाना पड़ेगा। आप पागल है तो ऐसे पागल बन करके आए हैं। जेल खर्चा जिस दिन आपसे लोग प्रभावित होना स्टार्ट हो जाए, वाह क्या बात है यार, प्लान समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बंदे की बात समझ में आई, बंदे को ऊपर से नीचे तक देखा, क्या बात है, क्या प्रोसेसिटी है, चल आज नहीं तो कल जरूर तेरे को बताऊंगा, आज पैसे नहीं कोई बात नहीं, आपकी बात, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक उसके दिमाग में उसकी आंख में बस जाए और चार एक बात बोले आजा भाई ले जा सुबह की हरी बस मन में रेस्तों पैसा होना चाहिए भाई साहब कि आपके आस पड़ोस के आपसे जलने लग जाए। बहुत तो कभी भी हैं पिछली दिवाली वाला कपड़ा रखा होता हमारी बोली पे क्या देखते हम अपना पंचायत जल ना जाए है ना। अच्छा होली के टाइम कितने ऐसे लोग हैं ओ बचपन का जो कपड़ा होता है वो भी पहन के आते हैं ना, कितने लोग ऐसे नया कोई बात नहीं। तो सर हमारा शरीर हमारा कपड़े जो है, अच्छा इस कपड़े के पीछे क्या है, वो देख लेगा तो कभी भी नहीं करेगा, अगर ढक के रखा हुआ है ढकना तो हमारे बस की है ना, अंदर क्या है मेरा पेट भरता है आपको दिखता है क्या, लेकिन मैंने क्या किया है ढका इसको, ढकना हमारे हाथ में है ना। जैसा जैसा ड्रेसअप आप पहनोगे वैसा आपकी टीम पहनेगी, और जैसा ड्रेसअप आप रखोगे वैसा आपकी ट्रेनिंग के चांसेस। आज के बाद हमारा काम बताने का है, पिछले वाला अनाउंस कर दिया कि भैया फॉर्म पटा के नहीं छोड़ना है ना, जो छोड़ेगा उसको बंद कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा काम है ट्रेनिंग देना, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, हम बताएंगे इसमें से कुछ लोग अमल करेंगे, कुछ लोग डायमंड बनेंगे और कुछ लोग फिर अपने काम में चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि कितने लोग अमल करते हैं। तो आज से सभी लोग ड्रेसअप पे ध्यान देंगे।